राधे राधे। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू माय ब्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक होंगे और आपका पूरा परिवार ठीक होगा। आपको और आपके पूरे परिवार को जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई। देखिए, कृष्ण जी का झूला मैंने सजा दिया है, पूरा नहीं, अभी शुरुआत हुई है पूजा की। मंदिर साफ कर दिया है, मंदिर कल शाम को साफ किया मम्मी ने, क्योंकि मैं घूम के वापस आई थी, थकान बहुत ज़्यादा हो रखी थी, तो मैं थोड़ी देर के लिए लेट गई, तो मम्मी ने मंदिर की सफाई कर दी। वो क्लिप मैं शूट नहीं कर पाई। अब करेंगे हम पूजा शुरू, तो देखिए और बने रहे हमारे साथ पूरा दिन। दिखाती हूँ आपको अपना जन्माष्टमी ब्लॉग। तो चलिए करते हैं कान्हा जी की पूजा। चलो करते हैं शुरुआत अपनी कान्हा जी की पूजा की। मैं कह रही थी ना कल मैं लेट गई, मम्मी सामान लेके आई थी, तो सारा सामान वही लेके आई हैं। पहले मैं सबको माला पहना देती हूँ। माला देखिए पहना दी है, कृष्ण जी को नहला देते हैं। मैं अभी सुबह भी नहलाऊंगी और शाम को भी, रात को पूजा जब चांद निकलेगा उसके बाद भी पूजा करेंगे। तो हमारे छोटे से नंदलाल, कान्हा जी को मैंने दूध शहद और जल से गंगा जल से अच्छे से नहला दिया। देख सकते हैं कितने सुंदर लग रहे हैं छोटे से कान्हा जी। उनको अच्छे से नए वस्त्र पहना के तैयार करके मैं झूले में बैठा दूंगी और शाम को भी मैं ऐसा ही करूंगी दोनों टाइम। बहुत से लोग होते हैं जो कान्हा को लेके आते हैं, प्रॉपर अपने घर में रखते हैं। मैं इतना नहीं कर पाती हूँ, पर जितना हो सके मैं उतनी कोशिश करती हूँ मैं कर पाऊँ पूजा पाठ और बाकी का काम। ये देखिए, ये बिस्तर लेके आई थी मम्मी और नए वस्त्र लेके आई थी। मैंने उनका पहले बिस्तर तैयार किया, नए वस्त्र तैयार किए और झूले में अच्छे से उन्हें बैठा दिया। बाद में फिर अपनी पूजा की, मैंने कान्हा जी की भी पूजा करी, हाथ जोड़ी और सबके लिए अच्छी खुशी की प्रार्थना की और ये पंचमेवा का भोग लगाया। ये देखिए मंदिर हमारा सज गया है और पूजा हो गई है। और कान्हा और दिखाते हैं आपको, देखिए झूलो झूलो रे कान्हा, झूलो झूलो रे, कितने सुंदर लग रहे हैं। शाम के बज गए हैं 5 और जा रहे हैं मार्केट सामान लेने के लिए। फिर आके बनाऊंगी खाना और खाना बनने के बाद, सारा काम खत्म करने के बाद जाएंगे मंदिर। तो अब चलते हैं फटाफट मार्केट। कल से नहीं देखी है मैंने मार्केट की रौनक, खुद भी देखते हैं आप लोगों को भी दिखाते हैं। कल मम्मी पूजा का सामान लेके आई तो बोल रही थी मार्केट में बहुत ज़्यादा भीड़ है और बहुत अच्छी रौनक है। मैं सामान लेने के लिए गई थी, मैंने सोचा मुझे भी कुछ ना कुछ तो मिलेगी रौनक, पर ऐसा कुछ भी नहीं था, नॉर्मल भीड़ थी। हाँ, लेकिन जो फूल माला बेच रहे हैं उनके पास लोग आ रहे थे फूल माला और लेके जा रहे थे। और मैं अभी आपको क्लिप दिखा दूँ, ये माला वाले हैं जो जगह जगह बैठे हुए थे। काफ़ी देर मेहनत करने के बाद शाम का खाना हो गया तैयार। कान्हा के लिए निकाल दिया है माखन और बनाती है सीमी। हाँ, ये बनती है, हमारी अम्मी की सीमी बनाई है। और मैंने बनाया है शाही पनीर और रायता और ये आ गई है मिठाई। किचन का सारा काम कर दिया है, ख़त्म हो चुका है। छोटा मोटा और काम है, बोल करूँगी, एक दो बर्तन पड़े हैं और फिर हम होंगे तैयार। शाम की घर की पूजा करने के बाद जाएंगे मंदिर। बेटा बहुत ज़िद्द कर रहा है, तो चलो मंदिर चलते हैं। मैंने कहा चलो चलते हैं, कान्हा जी को देख के आते हैं, दर्शन करके आते हैं, तो हम जाएंगे मंदिर। फटाफट किचन का काम खत्म कर लेती हूँ बचा हुआ और मंदिर चलेंगे और आपको दर्शन करवाएंगे। मंदिर 5 मिनट हो जाओ, मैं पूजा कर लूँ, मैं उसके बाद चलेंगे, ठीक है? और मेरे को हैं चेंज कर लो या यही पहन के चलोगे? अभी तो चेंज कर लो, चलो रुको। घर हो गया तैयार, दिखा क्या पहना है। अरे वाह, मस्त लग रहा है, तो चलें अब। और देखिए शाम की पूजा मेरी हो गई है, अब चलते हैं मंदिर। सारी सीढ़ियों पर हो जाएगा फिर। अब इससे पहले
यहाँ होकर कितनी बार गई हूँ मैं, तो मैं फर्स्ट टाइम छोड़ने जा रही हूँ। पहुँच गए मंदिर और बहुत ज़्यादा भीड़ है, अभी आपको दिखाते हैं। आ जा ये देखिए, मंदिर में चल रही है पूजा, सब छोटे छोटे कान्हा लेके आए हुए हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं ये। कितनी ज्यादा भीड़ लगी हुई है, पंडित जी प्रसाद दे रहे हैं और आपको भी कान्हा के दर्शन करवाते हैं। यहाँ है मेन कान्हा, जो पूजा चलती है, तो पहले मैं शिव जी को जोड़ पालूंगी, उसके बाद हम कान्हा पे जोड़ पालेंगे और प्रसाद चढ़ाएंगे। प्रसाद मैं लेके आई हूँ और आपको अच्छे से फिर कान्हा दिखाएंगे, थोड़ी सी चीर हो जाएगी इतने। गाइस ये रही मेरी मम्मी और एक ही अभी यहाँ खड़े हो जाओ, यहाँ खड़े हो जाओ। हाँ ये देखिए भजन चालू हो गए हैं और कृष्ण जी की पूजा हमने कर ली है और देख सकते हैं आप हमें प्रसाद मिल गया है और अभी बची हुई पूजा करवाएंगे और आपके अभी दर्शन करवाती हूँ मैं। ये देखिए कृष्ण जी की मूर्ति कितनी सुंदर लग रही है, कितनी सुंदर है कान्हा जी। और ये छोटे से नंदलाल छोटा सा कन्हैया झुलाते हुए हम भी कान्हा को झुला देते हैं। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। ये देखिए सब कान्हा को झूला झूला रहे हैं, सब अपनी बारी का वेट कर रहे हैं, लाइन बना रखी है, सब अपने कान्हा को झूला झुलाएंगे। चलो घर झूला झुलाओ, नीचे बैठा नीचे बैठ के घर नीचे बैठो आराम से, हाथ जोड़ लो, हाथ जोड़ लो कान्हा के सामने, मत्था टेको। ये देखिए अभी एक राधा रानी आई और कृष्ण जी आई और वो राधा रानी कितनी सुंदर लग रही है बच्ची, बहुत सुंदर लग रही है। मैं इसकी छोटी सी क्लिप डालूंगी, आप जरूर देखिएगा। ये देखिए हम सही समय पे आके पूजा कर ली हमने, हमारे बाद देखिए कितनी ज्यादा भीड़ लग रखी है और ये लाइन बहुत बाहर तक जा रखी है, बिल्कुल ही बहुत ज्यादा भीड़ हो गई है। ये छोटी छोटी राधा कृष्ण, देखिए मैंने कहा था ना वो आएगी तो मैं आपको दिखाऊंगी, देखिए कितनी सुंदर राधा लग रही है। चलो चलो
काली चप्पल। ये देखिए हम डेढ़ घंटे से मंदिर में बैठे और आप देख सकते हैं तब से लाइन आ रही है और भीड़। अभी रोड पे खड़े होके वेट कर रही हूँ, घर का एक दोस्त मिल गया है, वो उसको हाई करने के लिए वापस लाइन में गया, वो लाइन में लगा हुआ था। कह रहे मम्मी मैं हाई करके आता हूँ, बहुत दिनों बाद उससे मिला हूँ। मैंने कहा ठीक है तुम हाई करके आओ, उसे मिल के आओ, मैं इतने दो मिनट के लिए तुम्हारे लिए वेट करती हूँ। मंदिर में दर्शन बहुत अच्छे हुए, भीड़ बहुत ज़्यादा है, प्रोग्राम इसके बाद चालू होगा, अभी इतनी देर तक नहीं वेट कर सकते हैं। तो चलिए हम तो चलते हैं घर, हमारे तो अच्छे खासे दर्शन हुए, बहुत अच्छा वक्त गुजारा, जाके अब अपने कान्हा को देखेंगे। तनिष्क का? हाँ तनिष्क, ठीक है मिलिए, हाय कर दी, ठीक है चलो घर चले अब। राधे कृष्ण राधे कृष्ण, देखिए हमारी पूजा हो गई है, रात के बज गए हैं 12, मैंने पूजा कर ली है, वो क्लिप मैंने शूट नहीं की, और कान्हा जी को लगा दिया है भोग, ये है जाटी, जाटी लेके आते हैं तो वो भी पूजा में रखी हुई है, तो ये है कान्हा जी का भोग, ये है कान्हा। और मैं अपना व्लॉग यहीं ख़त्म करती हूँ, उम्मीद करती हूँ आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और यहाँ तक व्लॉग देखने के लिए थैंक यू सो मच, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा राधे राधे।